स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। इनको कैसे पहचानते हैं, सैचुरेटेड कौन सा है, अनसैचुरेटेड कौन सा है, ये सारे चीज हम लोग इस वाले पार्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने से पहले सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है कुछ स्ट्रक्चर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ इथीन का, तो इथीन का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो इथीन का फॉर्मूला हो जाता है C2H6। ठीक है, C2H6 इथीन का फॉर्मूला हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बनाने का कोशिश करें कार्बन कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सारे तो सिंगल सिंगल बाउंड है। देखो हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल है, कार्बन कार्बन यहाँ पे भी अटैच है, यहाँ पे सिंगल है। इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन का एग्जांपल देखते हैं। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखने से पहले हम लोग ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो C4H10 होता है ब्यूटेन का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर लिखो। सी कार्बन 4 है, तो पहले 4 कार्बन हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन 10 है, तो उसको हम लोग एडजस्ट कर दो। ठीक है, अब इसके ऊपर हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो पहले इथेन वाला पर एग्जांपल देखे थे, उसमें भी कार्बन कार्बन के बीच का ध्यान दो सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो जहां जहां इस तरह ब्यूटेन में भी आप देख सकते हो यहाँ पे सब कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो जहां जहां आपको अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखते हैं तो उन सबको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड। अब आप साइक्लोपेंटेन का भी एग्जांपल देख लो। साइक्लोपेंटेन में पेंटेन है तो कार्बन हो जाएगा 5, ठीक है, और हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे 10। अब यहाँ पे देखो साइक्लोपेंटेन है तो कार्बन 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 यहाँ कार्बन और ये कार्बन, 5 कार्बन हो गया। अब सब पे हाइड्रोजन बैठ जाएगा एक एक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी कार्बन कार्बन आपस में अटैच है साइक्लोपेंटेन में सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, तो इस तरह से जहां पे भी सैचुरेटेड कार्बन का मतलब कार्बन कंपाउंड का मतलब हो गया कि जहां पे कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसको हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। सच कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नोन एज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो यहां हमें क्या पकड़ना है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहता है कहीं पे भी तो उसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, दिस कंपाउंड आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव। ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के कंपैरिजन में सैचुरेटेड रिएक्टिव थोड़ा कम होता है। ऐसा नहीं है कि रिएक्टिव होते ही नहीं है, थोड़ा सा उससे कम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर ले तो जैसे कि मिथेन हो गया, CH4 हो गया, इथेन हो गया, C2H6 हो गया, प्रोपेन हो गया, C3H8 हो गया, ब्यूटेन हो गया, C4H10 हो गया। इस तरह से जो सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले जितने हो जाएंगे, ठीक है, वैसा कोई भी कार्बन कंपाउंड अगर जिसका अंदर में कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहेंगे। अब हम लोग कहेंगे, अब तो कुछ आते हैं अनसैचुरेटेड वाले का, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे इथीन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, इथीन का क्या फॉर्मूला हो जाता है, तो C2H4, ठीक है, इथीन। अब यहाँ पे हम लोग इथीन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाने की कोशिश करें। कार्बन 2 है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, तो एक इधर हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन इसके पास। लेकिन आप यहाँ पे देखो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती, 3 है, लेकिन टेट्रावेलेंट होता तो यहाँ 4 चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो जो कार्बन कार्बन आपस में अटैच है यहाँ पे डबल बॉन्ड से था, इथेन में क्या था कि सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पे लेकिन डबल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, उसी तरह से एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है C2H2, ठीक है, तो कार्बन कार्बन अटैच हो गया और इधर हाइड्रोजन
और इधर हाइड्रोजन हो गया, लेकिन कार्बन के वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो एक और डबल बॉन्ड किए, अभी भी तीन हो गया, इधर भी तीन नहीं हुआ, एक और ट्रिपल बॉन्ड कर दिए, एक दो तीन एक चार, एक दो तीन एक चार, अब यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाइड। तो ये हो गया हमारा इथाइन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कार्बन कार्बन का बीच में यहाँ पे आप देखो कि ट्रिपल बॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इथीन में चाहे इथाइन में यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो वैसा कार्बन कंपाउंड, वैसा दो कार्बन कंपाउंड जिसके बीच में जो बॉन्डिंग हो, अगर वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। सच कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नोन एज अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो सेचुरेटेड कौन सा हो गया कि जहां पे भी हम लोग सीधे कंपाउंड में, कार्बन कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्डिंग चेक करेंगे, अगर वो सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो उसको सेचुरेटेड में रखेंगे। और अनसेचुरेटेड क्या हो गया, कहीं पे भी एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम लोग अनसेचुरेटेड में रखेंगे। तो सेचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, सेचुरेटेड का मतलब हो गया कि ओनली सिंगल बॉन्ड रहेगा, और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या हो गया कि वहां पे या तो डबल बॉन्ड कोई एक आ जाए या कोई एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या एक से अधिक डबल बॉन्ड या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो वहां पे हम लोग उसको अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहेंगे। तो यही दोनों के बीच में अंतर हो गया और डिफिनेशन भी यही हो जाता है। दे आर मोर रिएक्टिव देन सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जैसे एक बार बताया था सेचुरेटेड वाले थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं, अनसेचुरेटेड वाले थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि इसमें, जैसे कि मैंने अभी इथीन का एग्जाम्पल दिया, इथाइन का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से ब्यूटीन का एग्जाम है, ब्यूटीन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ब्यूटीन का फॉर्मूला हो जाएगा C4H8, ठीक है, ब्यूटाइन का फॉर्मूला हो जाएगा C4H6, ठीक है। अब ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, चार कार्बन, एक दो तीन चार, ठीक है। बाकी पे हाइड्रोजन अगर हम लोग डालें तो यहाँ पे आठ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर हम सब पे दो दो डालते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी देखो तीन हुआ, इसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ पे अगर हम डबल कर दे, ठीक है, और इसको हटा के अगर हम लोग यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये आपका सेटिस्फाइड हो गया, यह वैलेंसी एक दो तीन चार यहाँ पे हो गया, एक दो तीन चार यहाँ पे भी हो गया, बाकी सब चार चार है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये यह वाला हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ब्यूटाइन अगर बनाएंगे तो एक और हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, एक दो हम कम है तो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और कार्बन के साथ फिर कार्बन और एक कार्बन बचेगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और ये तीन एक चार अटैच हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का यहाँ पांच हो गया, और एक छह हाइड्रोजन और कार्बन ट्रिपल, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इसका इन दोनों अनसेचुरेटेड, ये ब्यूटाइन हो गया, ब्यूटीन हो गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन में भी अनसेचुरेटेड कार्बन होते हैं, ये भी अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का एग्जांपल होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, बेंजीन का ऐसे इस तरह का रिंग जरूर देखे होंगे, ठीक है, यही होता है बेंजीन रिंग, इस तरह का, सॉरी, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, बीच में एक जीरो होता है, ठीक है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बेंजीन रिंग कहते हैं। अब इसका देखो स्ट्रक्चर, ये एक्जेक्टली बनता कैसे, ये इस तरह का देखे होंगे आप, या तो फिर इस तरह का आप देखे होंगे, ठीक है, ये होता है और ये और ये, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये होता है बेंजीन, इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें छह कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड ले दो पहले, ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन भी दे दो सब पे, ठीक है। स्ट्रक्चर में बना रहा हूं बेंजीन का, ठीक है। अब देखो हर कार्बन पे तीन तीन बॉन्ड हुआ, लेकिन चार बॉन्ड की जरूरत है, तो या कि यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दो, तो अब इसका कितना हुआ, एक दो तीन चार, ये वाला देखो एक दो तीन चार, यहाँ पे दो और एक दो तीन चार बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो फिर से तीन है, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड दे देते हैं, तो एक दो तीन चार, ये कार्बन का तो पूरा, ये भी पूरा, ये भी कार्बन पूरा, ये भी कार्बन का पूरा हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों कमी है, तो इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड देते, ये चार चारों तरफ से हो गया। तो यही होता है बेंजीन रिंग, ये भी अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th 12th में जाके इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, इसका स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, ये भी एक अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का एग्जांपल है। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कौन सा है, तो मीथेन है, इथीन है, प्रोपेन है, हेक्सेन है। तो यहाँ पे इथीन का जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था C2H4,
ठीक है, तो इथीन अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है, बाकी सारा सेचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर इथीन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में।